नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 का रिमेनिंग पार्ट। मैटर इन सराउंडिंग जो चैप्टर साइंस का है, दैट विल बी कंप्लीटेड। ये हमारे दो वीडियोस में पूरा हो जाएगा, जो मैं आपको पहली वीडियो में भी बताया था। ये हमारी सेकंड वीडियो है मैटर इन सराउंडिंग की। इस वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कैन मैटर चेंज द स्टेट? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। वो कोई भी चीज जिसका अपना मास होता है और जो जगह घेरता है, उसी को मैटर बोलते हैं, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। स्टेट स्टेट मीन्स मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। फिजिकली अपियरेंस, वो क्या होता है आपका सॉलिड, वो क्या होता है आपका गैस, और वो क्या होता है आपका लिक्विड। इसका मतलब मैटर जो है तीन डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज आर द थ्री डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। इसके अलावा दो और हैं, लेकिन बट हम किसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ज्यादातर? सॉलिड, गैस और लिक्विड, जो आप पढ़ चुके हो। क्या सॉलिड को गैस में, क्या सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? लिक्विड को गैस में, मीन्स सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या लिक्विड को गैस में, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में। क्या हम इंटरचेंज, इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हैं? यस। सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड क्या करेगा? हीट गेन करेगा। हीट गेन करने से जो उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से पार्टिकल क्या होंगे? एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होने की वजह से मोशन में ज्यादा आएंगे। मोशन में ज्यादा आने की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए केवल हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और फिर उसके बाद लिक्विड से क्या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मीन्स सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, उनके स्पीड, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और वो काफी दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? दे आर हाईली काइनेटिक एनर्जी एंड रेंडमली मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। और वो किस स्टेट में आ जाएंगे? गैसेस स्टेट में। वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। लेकिन गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के एक प्रोसेस को बोलते हैं हम एवोपरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वेपराइजेशन है तो हम लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, जब तक बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर ना पहुंचे, तो लिक्विड गैस में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको वेपराइजेशन नहीं कहेंगे। वेपराइजेशन कब कहेंगे? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको बॉयल करते हैं उसके बॉयलिंग पॉइंट तक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर बॉयलिंग पॉइंट से कम पर अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसे? इवेपोरेशन। तो इट मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस करने के लिए हम टेम्परेचर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और फिर गैस से लिक्विड करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। एक दूसरे के नजदीक आने से गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कम क्लोज टू ईच अदर, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। स्पेस क्या होगा? कम होगा। तो वो क्या होगा आपका? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन।
फिर लिक्विड को हम किस में चेंज करते हैं, सॉलिड में। वो कैसे चेंज करेंगे, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके या प्रेशर को बढ़ा के, क्योंकि टेम्परेचर कम करके भी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की, कम हो जाती है। उनके पार्टिकल की स्पीड मोशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनके बीच का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे और नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने से लिक्विड कन्वर्टेड इंटू सॉलिड या बाय इंक्रीजिंग मोर एंड मोर प्रेशर। तो लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिडिफिकेशन को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग भी बोलते हैं। क्या हम सॉलिड लिक्विड और गैस, क्या हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस वी कैन चेंज डायरेक्टली द स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड टू द स्टेट ऑफ मैटर गैस। सॉलिड से डायरेक्टली वी कैन चेंज इनटू गैस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, इसका मतलब द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले हम सॉलिड को गैस में चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसका मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन गैस से डायरेक्ट सॉलिड। कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, नेफ्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस, इन विच द सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इंटू गैस और गैस डायरेक्टली चेंज इंटू सॉलिड विदाउट चेंज इंटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज किए, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, फिर भी एक बार देख रहे। सॉलिड वी हीट सॉलिड, सॉलिड को हम हीट करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इंक्रीज एज वी डिक्रीज एज इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के बीच की बढ़ जाएगी, विच डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो दे पार्टिकल जो होंगे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड चेंज देयर पोजिशन, और अपनी पोजिशन को चेंज करेंगे, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल है वो एक फिक्स पोजिशन पर होता है। जैसे ही हमने उसको हीट दी तो पार्टिकल किस में आ गए, मोशन में आ गए। पार्टिकल मोशन में आने से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल क्या होने लगे, वाइब्रेट होने लगे। वाइब्रेट का मतलब अपनी पोजिशन को चेंज करने लगे। स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल बिकेम फ्री एंड द सॉलिड कन्वर्टेड इंटू लिक्विड। हीट की वजह से पार्टिकल क्या होंगे, फ्री टू मूव, और जिसकी वजह से सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा। जैसे आपके सामने ये एक्टिविटी, ये फिगर है, सॉलिड आइस है, ये क्या है आइस, जब हमने इसमें हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करने से क्या हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बाय एडिंग एनर्जी, बाय गिविंग एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और इस प्रोसेस को जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और इसी मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट एंड टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसे द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है और कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड किस कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आप सीधा भी लिख सकते हो द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, और मेल्ट मीन्स हो गया सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16, वैसे जनरली हम क्या लिखते हैं 273 K, K इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का, वो क्या बताता है कि
जो पार्टिकल है पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ बताता है। इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ, इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ पार्टिकल। फ्यूजन, फ्यूजन आपका क्या है, मेल्टिंग। तो इसका मतलब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड मींस सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। इन द मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस मींस सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, वंस अ सॉलिड रीच्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई भी सॉलिड, सॉलिड जो है अगर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर। सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे और वो मेल्टिंग पॉइंट पर मींस उसका जो टेम्परेचर है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंच जाता है किसी भी सॉलिड का, तो उसके बाद हम उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। द टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा अगर कोई भी सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर पर पहुंच गया जहां से वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जब भी कोई भी सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट रहता है। द हीट प्रेजेंट इन द सॉलिड एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग इज यूज बाय द पार्टिकल टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। तो इसका मतलब जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया टेम्परेचर, उसके बाद फिर भी हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहां गई, वो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो सॉलिड के बीच, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, तोड़ रहा है, कौन, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा उसका टेम्परेचर सॉलिड का नहीं चेंज होगा। और उस जो हीट को जो सप्लाई की जा रही है जो क्या कर रहा है, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो उसको कम कर रही है, कम कर रहा है हीट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और वो हीट हमें नजर नहीं आती, उसे हम क्या बोलते हैं, हिडन एनर्जी, उसको हम बोलते हैं हिडन एनर्जी, और हिडन एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मेटल इज नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, वो एनर्जी, वो हीट जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हीट यूज होती है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती जब अगर वो सॉलिड उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, नहीं बढ़ेगा। और इस हीट को, लेटेंट हीट को हम बोलते हैं क्या, हिडन एनर्जी, हीट ऑफ हिडन, छुपी हुई एनर्जी। अब जब सॉलिड को कन्वर्ट किया किसमें, लिक्विड में, तो उसमें हीट सप्लाई की, उसके हम बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. Latent heat of fusion क्या है, means उतनी energy, उतनी energy जो 1 kilogram solid को, 1 kilogram solid को liquid में बदलती है atmospheric pressure पर, और at its melting point 1 kilogram solid को liquid में change करने के लिए एट एटमोस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को किसमें चेंज करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आइस है, आइस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, तो इसका मतलब आइस कूलिंग इफेक्ट ज्यादा करता है और पानी कम करता है,
क्योंकि जो हीट सप्लाई हो रही है वो आइस और मैं सप्लाई हो रही है तो उतना ही हीट वो वाटर भी ले रहा है, लेकिन आइस जो यूज कर रहा है हीट को वो अपने पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कर रहा है। तो उसका जो हीट है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो यूज कर रहा है और यूज करके वो क्या कर रहा है, उसके पार्टिकल टूट रहे हैं, लेकिन जो आपका वाटर है वो टूट नहीं रहा हूं। तो उसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर मींस आइस का जो टेम्परेचर है, आइस की जो हीट है वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए आइस प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। एटमोस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एटमोस्फेयर, जो प्रेशर एटमोस्फेयर प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड, अब दूसरा लिक्विड में क्या, लिक्विड हमारा हमने क्या सॉलिड को चेंज किया, अब क्या करेंगे लिक्विड को, क्या हम लिक्विड को भी गैस में चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे आपने बताया सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लिक्विड को गैस में करेंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द लिक्विड चेंज इनटू गैस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉयलिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बॉयलिंग बोलते हैं। गैस मीन वेपर की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वेपर। बॉयलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉयलिंग जो है एक लार्ज बल्क फिनोमिना है। व्हाई इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना, बिकॉज पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बल्क फिनोमिना क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो क्या है, लार्ज, सारे के सारे जो पार्टिकल है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड के हैं वो किसमें कन्वर्ट जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। बल्क नंबर, लार्ज नंबर में जो लिक्विड के पार्टिकल है दे कन्वर्टेड इनटू वेपर, उसे हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना। इसलिए बॉइलिंग इज नोन एज बल्क फिनोमिना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस जिस टेम्परेचर पर लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में, या गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है, बॉयल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयलिंग करना स्टार्ट कर देता है और कन्वर्ट किस में होता है, वेपर में, उसे हम बोलते हैं बॉयलिंग पॉइंट। बॉयलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड जो है स्टार्ट बॉयलिंग, क्या करने लगता है, बॉयलिंग स्टार्ट, बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। मींस किस में चेंज होने लगता है, वेपर में चेंज होने लगता है। किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होने लगता है। एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर में जब लिक्विड वेपर में स्टार्ट चेंज करना स्टार्ट हो जाता है या बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस 273 क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या बन जाता है, 373 केल्विन। ये क्या क्या हमने, पानी था इस कैटल के अंदर, हमने क्या है, क्या हीट सप्लाई की, हीट सब सप्लाई की, तो उसके पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। बॉइलिंग स्टार्ट हुआ और वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर पॉइंट आता है कि बॉइलिंग वाटर की या स्टीम की जो वेपर है, दोनों में से किस में हीट ज्यादा होगी। और जब एक बारी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, अगर लिक्विड वाटर है, वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो उसको हीट सप्लाई करते रहेंगे वाटर को, तो वो जब सारी की सारी वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, चाहे हम जितनी मर्जी हीट सप्लाई करें। द टेम्परेचर विल रिमेन सेम इफ लिक्विड चेंज इन टू वेपर, तो जो हीट सप्लाई की वो कहां गई, उस हीट ने लिक्विड के पार्टिकल को तोड़ने की कोशिश करी, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड। इसीलिए वाटर में, लिक्विड में हीट कम होगी और वेपर में हीट या स्टीम में हीट ज्यादा होगी। इसलिए स्टीम में हीट ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, ज्यादा हाथ को जला देता है, इट कॉज मोर सर्वबर्न। स्टीम ज्यादा नुकसान देती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्यों, क्योंकि स्टीम में ज्यादा एनर्जी होती है और वाटर में एट द सेम टेम्परेचर में कम एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि वो हीट जो है यूज होती है टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, वो कम करते हैं।
इसीलिए स्टीम में ज्यादा हीट होती है और वाटर में कम होती है, बॉइलिंग वाटर में कम होती है। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या बोला था, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस, बाकी सारा सेम। गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मेल्टिंग पॉइंट था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मींस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब ये टेम्परेचर का था, अगर प्रेशर करेंगे तो प्रेशर का क्या होगा, अभी आपको बताया था। मींस पार्टिकल को नजदीक लाना या पार्टिकल को दूर लाना, व्हाट हैपेंड व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर घटाएंगे, अभी तो हमने बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस में, गैस किसमें कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा सॉलिड में। इन केस ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज एंड दे टर्न इनटू लिक्विड स्टेट, जब टेम्परेचर घटाएंगे किसका, गैसेस स्टेट का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए गैस क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होगी तो उनके बीच का स्पेस क्या होगा, उनके बीच का स्पेस भी क्या होगा, कम हो जाएगा, वो आपस में नजदीक आने लगेंगे, तो गैस किस में कन्वर्ट होने लगेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। इसका मतलब टेम्परेचर घटाने से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, कूलिंग का मतलब है रिड्यूसिंग टेम्परेचर, रिड्यूसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करके हम गैस से किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो इसका मतलब इन टू द लिक्विड बाई कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके। फिर कह रहा है लिक्विड, अगर लिक्विड है हमारे पास उसका टेम्परेचर कम कर दें, जैसे हम पानी है, पानी को हम किसमें रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं। रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने पर जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर, जब नजदीक आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जिससे वो क्या होगा, चेंज होगा किससे, लिक्विड से सॉलिड में। जैसे हमने पानी को कहाँ रखा, फ्रीजर के अंदर रखा, तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम किया, पार्टिकल नजदीक आ गए, उनकी मोशन की, मोशन क्या हो गया, कम हो गया, और जिससे कन्वर्ट हो गया आइस में। द काइनेटिक लिक्विड, अगर लिक्विड में टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड क्या होगा, कम होगा, मींस काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज, किसमें, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एंड दे टर्न इनटू अ सॉलिड स्टेट, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे आपने बताया फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस का फॉर्मेशन, अब अभी आपने बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, और क्या गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड और वाइस वर्सा, मीन गैस को डायरेक्टली सॉलिड में और सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। चाहे सॉलिड को गैस में डायरेक्टली चेंज करो विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, यहां पर डायरेक्टली का मतलब है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में और सॉलिड को डायरेक्टली गैस में विदाउट चेंज इनटू लिक्विड के प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल और ड्राई आइस, ये क्या है, ये जितने भी कंपाउंड है दे कैन सबलाइम, दे कैन सबलाइम मीन्स दे डायरेक्टली चेंज आइदर सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। जैसे ड्राई आइस है वो क्या होती है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हमारा ये नया पॉइंट है, ये जरा थोड़ा सा ब्रीफ, देयरफॉर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर
फ्रॉम वन टू अनदर, टेम्परेचर बढ़ा के टेम्परेचर घटा के हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज सॉलिड। सॉलिड को जब हमने क्या किया, हीट किया, जब सॉलिड में क्या किया हमने, हीट किया, तो हीट करने पर क्या हुआ, सॉलिड को हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। और लिक्विड को जब हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और गैस को जब हमने क्या किया, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में। तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड, मेल्टिंग, फ्यूजन। और लिक्विड से डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, इवेपोरेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अगर उसको हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर तो वेपराइजेशन। और लिक्विड से डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, सॉरी गैस से डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अब यहां पर दूसरा, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। गैस से किसमें चेंज करना है, लिक्विड में। गैस से लिक्विड में तो क्या होगा, कंडेंसेशन। और लिक्विड से किसमें चेंज करना है, सॉलिड में, तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन गैस से सॉलिड में चेंज करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर घटाना पड़ता है। और इसका उल्टा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज, गैस में चेंज करने के लिए सब्लिमेशन, और लिक्विड से, सॉरी गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता है और प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, मींस टेम्परेचर और स्टेट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू गैस, और टेम्परेचर घटेगा तो गैस चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, और इसको बोलते हैं इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। टेम्परेचर घटाने पर गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब हम कर रहे हैं अगला, कि प्रेशर के कम करने से या ज्यादा करने से क्या फर्क होता है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, बाई अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर एंड इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनको जगह कम मिलेगी घूमने के लिए, उनको घूमने के लिए, मूवमेंट होने के लिए जगह कम होगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल विल कम क्लोज टू ईच अदर। व्हेन वी कंप्रेस एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर घटाया, तो ऑफ गैस, गैस चेंज इनटू लिक्विड, तो गैस किस में चेंज जाएगी, लिक्विड में। By increasing temperature, reducing pressure means when we compressed, यह हम बोलते हैं by increasing pressure या applying pressure and reducing temperature, we can liquefy gas. How we can liquefy gas? By इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस। गैस को हम लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो गैस जो लिक्विड की फॉर्म में है। तो एलपीजी जो हमारे पास गैस अवेलेबल है, जो हम यूज करते हैं, वो गैस लिक्विड की फॉर्म में, और वो लिक्विड की फॉर्म में बना कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर से। ऐसे हमारा क्या, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन सॉलिड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। दे कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर अप टू 8 एटमोस्फेयर। इसका मतलब, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, उसको हम सॉलिड की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में, तो उसको हम गैस की स्टेट में चेंज कर सकते हैं प्रेशर को
कम करके, प्रेशर को घटा के, और प्रेशर कहां तक घट जाएगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर, कितना 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब उसको हम हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर, या गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। पार्टिकल ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर कभी भी रेस्ट में नहीं होते। डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे हैव डिफरेंट, और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। हर मैटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। सॉलिड की काइनेटिक, सॉलिड में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड में पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होती है, गैस में के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दोनों से ज्यादा होती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा होती है पार्टिकल, वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। गैस में जो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। लिक्विड के जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? कंपैरेटिवली सॉलिड से कहीं ज्यादा है, तो लिक्विड को हम डायरेक्टली वेपर में चेंज कर सकते हैं बिना प्रेशर अप्लाई किए, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना फोर्स लगाए लिक्विड कैन कन्वर्टेड इनटू गैस। क्यों? क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए अगर हम पानी को ओपन, एक बर्तन वेसल में पानी रखा और उसे ओपन रख दिया और सन में रख दिया, धूप में रख दिया, तो थोड़ी सी देर बाद वो पानी क्या होने लगता है? इवोपरेट होने लगता है। हमने किसी उसको प्रेशर बढ़ाया नहीं, बट इट चेंज इनटू गैस। तो इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन इज द प्रोसेस या फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवोपरेशन वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट में। जैसे देखो ये पानी है और इसमें क्या कर रहा है? इसमें सनरेज पड़ रही है, सनरेज पड़ते ये पानी क्या हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। हम इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, हम इसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा रहे, बट इट चेंज इनटू वेपर, इट चेंज इनटू वेपर। ये किसमें चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। ये किसमें चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। मीन्स इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग हमारा क्या था? बल्क फिनोमिना, और इवोपरेशन क्या हमारा? सरफेस फिनोमिना। क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस, सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं? हीट एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं? गेन करते हैं। एनर्जी गेन कर क्यों कर एनर्जी गेन करने के बाद क्या करते हैं? क्यों? ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? दे विल इवोपरेट। Gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into vapor state. क्या करते हैं? They particle from the surface, surface में जितने भी particle हैं, they gain energy, इतनी energy gain कर लेते हैं कि इनके बीच का force of attraction क्या होता है? वो reduce हो जाता है। reduce होने के बाद ये liquid के particle convert हो जाते हैं किसमें? Gas में convert हो जाते हैं, vapor में convert हो जाते हैं। इनको हमने boiling point करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये यहां पर देखिए, ये इवोपरेशन है, इसमें जो वेपर प्रेशर है, जो इसका पार्टिकल का जो प्रेशर है वो क्या है? लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली हीट किया सरफेस में, अपने सन में रखा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वेपर होने लगे। इनमें बबल्स बनते नहीं है, जो बॉइलिंग के टाइम जो बबल बनते हैं सरफेस पर, बबल नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम उसे बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो उसमें क्या बनने लगते हैं? बबल्स बनने लगते हैं। और बबल्स बनने के बाद क्या होते हैं? उनके जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? उनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी तेजी से बढ़ जाती है और वो क्या होते हैं? रेंडमली इन मोशन इन एनी डायरेक्शन। तो ये हमारा बॉइलिंग का फिनोमिना है और ये हमारा इवोपरेशन का फिनोमिना है। एक तरह से ये वेपराइजेशन है और ये क्या हमारा? इवोपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द इवोपरेशन, फैक्टर जो है, कौन कौन से फैक्टर जो है इवोपरेशन पर इफेक्ट डाल देंगे? पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो
तो रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इवोपरेशन भी कम होगा। इट मीन सरफेस एरिया, ये क्या है, रेट ऑफ इवोपरेशन और ये सरफेस एरिया, मीन्स मोर सरफेस एरिया मोर इवोपरेशन, लेस सरफेस एरिया और लेस इवोपरेशन, मोर सरफेस एरिया मोर इवोपरेशन, लेस सरफेस एरिया लेस इवोपरेशन। क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने 9th 8th में मैथ में पढ़ा होगा डायरेक्ट वेरिएशन, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज घटती है तो दूसरी भी घटती है। तो इसलिए रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया घटेगा तो इवोपरेशन का रेट भी घटेगा। इसीलिए जब मम्मी कपड़े सुखाने जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, कपड़े को फैला देते हैं, उसका सरफेस एरिया क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन फास्ट होगा टेम्परेचर पर। रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही सेम, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी घटेगा। टेम्परेचर और ये रेट ऑफ इवोपरेशन, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवोपरेशन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो इवोपरेशन भी घटेगा। अगर धूप ज्यादा निकली है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, अगर धूप कम निकली है तो कपड़े देर में सूखेंगे। धूप ज्यादा निकली है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, अगर धूप कम निकली है तो टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी घटेगा। ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी ये कहते हैं कि हवा में पानी है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नमी। जितना ज्यादा पानी है उतनी एयर में, जितना ज्यादा पानी है उतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा, उतनी नमी ज्यादा है, और पसीना उतना सूखेगा नहीं, वाटर इवोपरेट नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा है, इसीलिए इवोपरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर एयर में पानी की प्रेजेंस कम है तो इसका मतलब वाटर कॉन्टेक्ट एयर में कम है, जिससे रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। तो यहां पर जो हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन है, रेट ऑफ इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब क्या है, एटमोस्फेयर में पानी की मात्रा ज्यादा है तो इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी, ये हमारी ह्यूमिडिटी और ये हमारा इवोपरेशन, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपरेशन कम और ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपरेशन ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विंड स्पीड, विंड कहते हैं किसे, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। अगर हवा तेजी से चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे, अगर हवा कम चल रही है तो हमारे कपड़े देर में सूखेंगे। कई बार हम घर के अंदर कपड़े सुखाने होते हैं तो हमें पंखा चला देते हैं बड़ी तेजी से, क्यों, क्योंकि विंड की स्पीड बढ़ जाएगी, हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। जब हवा की स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब कपड़े भी जल्दी सूखेंगे। तो रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। विंड स्पीड इसका मतलब मोर विंड स्पीड मोर रेट ऑफ इवोपरेशन। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो इवोपरेशन भी जल्दी होगा, अगर विंड स्पीड कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम, अगर विंड स्पीड कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम होगा। जैसे विंड स्पीड और ये इवोपरेशन, अगर स्पीड ज्यादा है विंड की तो इवोपरेशन फास्ट होगा, ज्यादा होगा, अगर विंड स्पीड स्लो है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी स्लो होगा, कम होगा। अब इसमें कुछ फैक्टर्स लिखे हैं आपके सामने, देखिए कंडीशन, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा और क्यों, पार्टिकल हैव मोर स्पेस दस कैन इवोपरेट इजिली। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो पार्टिकल के बीच में, वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो इवोपरेशन जल्दी बढ़ेगा।
टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। क्यों? क्योंकि एयर में वाटर के कॉन्टैक्ट ज्यादा है, वाटर के कॉन्टैक्ट ज्यादा होने से इवेपोरेशन घट जाता है। विंड स्पीड, स्पीड विंड की स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हवा बड़ी तेजी से चलेगी तो वाटर वेपर क्या होंगे, वो क्या होंगे, बड़ी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए क्या होगा, विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन जो ठंडा महसूस होता है वो किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल। इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो क्या करता है, वो क्या करता है, पार्टिकल जो लिक्विड के जो पार्टिकल है वो क्या करता है, उस एनर्जी को यूज करता है। इसका मतलब इवेपोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इट मीन इट लूज एनर्जी, इवेपोरेशन क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। किसकी यूज, किसकी, लिक्विड पार्टिकल की। देयरफॉर पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि इवेपोरेशन जो है लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी को यूज करता है और वो रिलीज करेगा, तभी तभी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद जो प्रोसेस इवेपोरेशन है उस एनर्जी को यूज करता है जो पार्टिकल ने एब्जॉर्ब की, उस एनर्जी को यूज करके वो पार्टिकल को क्या करता है, इवेपोरेट करने की, इवेपोरेट होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, मींस बाय यूजिंग द एनर्जी, यूज करेगा एनर्जी किसके, लिक्विड पार्टिकल के लिए, लिक्विड पार्टिकल के। इसलिए लिक्विड पार्टिकल क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं। जब सराउंडिंग से एनर्जी गेन होगी तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जहां से गेन करेगा वहां से हीट जब निकल जाएगी तो वहां क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट द एनर्जी बीइंग लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, दिस इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग एयर। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, यूज करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड सराउंडिंग से एनर्जी गेन की, और वो एनर्जी गेन जो की दैट इज यूज टू चेंज इन टू वेपर में, वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की वो वेपर में कन्वर्ट कर दी वो एनर्जी। तो इसका मतलब सराउंडिंग से जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, हीट कम हो गई, वो हीट जो एब्जॉर्ब की वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूटिलाइज हो गई, इसीलिए सराउंडिंग में क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। ये आपका लोअर एनर्जी, ये एनर्जी ऊपर ज्यादा है नीचे कम, तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, अवर पाम फील कूल वेन वी पुट सम एसीटोन नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन जो होता है नेल पेंट रिमूवर होता है, ऑन इट। पहला एग्जाम्पल क्या है, हम अपने पाम में एसीटोन डालते हैं तो क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो एसीटोन है वो क्या करता है, सराउंडिंग से अपने पाम के सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही उसने हीट एब्जॉर्ब की उस एसीटोन लिक्विड ने, और वो एनर्जी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब की तो हीट कम हो गई, मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो इसका मतलब सराउंडिंग में कूल हो गया, और वो जो एब्जॉर्ब की दैट इज यूज टू कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसीलिए इवेपोरेशन इज द प्रोसेस विच प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, ऑन द ग्राउंड, ऑन सनी डे टू कूल द एरिया। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, अपने घर के आगे गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं जब बहुत गर्मी होती है। क्यों? जैसे ही पानी उस ग्राउंड पर, जैसे ही इस ग्राउंड है इसमें पानी छिड़का, तो वाटर ने क्या करा, इस सरफेस से हीट क्या की, गेन की। जब इस सरफेस से हीट एब्जॉर्ब की, तो सरफेस पर जब हीट एब्जॉर्ब, सरफेस से जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और जो हीट उसने एब्जॉर्ब की, वाटर जो उसके ऊपर छिड़का, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की, वो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होने के लिए वो हीट जो एब्जॉर्ब हीट की थी उस हीट को यूटिलाइज करेगा टू चेंज लिक्विड इनटू वेपर में। तो इसीलिए क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर सोसर देन द कप, मींस कप से ज्यादा किसमें, एक प्लेट में हम चाय क्या होते हैं,
ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम होता है और शोषण का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस मोर कूलिंग इफेक्ट, मोर सरफेस एरिया मोर कूलिंग इफेक्ट। व्हाई पीपल वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, लोग जो है गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? वी परस्पायर मोर इन समर, हमारे को गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है। एज द स्वेट इवोपरेट इट टेक एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी सरफेस एंड कीप द बॉडी कूल, जब पसीना ज्यादा आता है तो पसीना जो है स्वेट इवोपरेट, जब वो इवोपरेट होता है, लेकिन इवोपरेट होने से पहले वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब से क्या हो गए, हमारी हमारा जो बॉडी है वो क्या महसूस करेगी, कूल महसूस करेगी। कॉटन कैन एब्जॉर्ब स्वेट इजिली एंड एक्सपोज इट टू द एटमोस्फेयर कॉजिंग द एवोपरेशन टू टेक प्लेस इजिली, दिस इज इन दिस वे कीप अस कूल इन समर डे। तो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वॉटर, गुड एब्जॉर्बर है, पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग से क्या ले लेगा, हीट ले लेगा, और वो दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू वेपर, और इस वेपराइजेशन की वजह से हमारे को ठंडक महसूस होती है, इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। Why water droplet appear on the surrounding of the glass with ice cold water? जब हम ठंडा पानी, ये ग्लास टम्बलर है, इसमें क्या रख दिया हमने, आइस कोल्ड वाटर रख दिया, क्या रख दिया, कोल्ड वाटर। इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ही सराउंडिंग की एयर इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये क्या करेगी, हीट लूज करेगी, हीट लूज करतेगी, हीट क्या करेगी, लूज करेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने पे क्या होगा, दैट विल वाटर विल कंडेंस, और वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, मींस गैसियस से वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो ग्लास टम्बलर में जिसमें ठंडा पानी रहता है, गर्मी के दिनों में जैसे ही वाटर वेपर इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो वाटर वेपर कन्वर्टेड इंटू, सॉरी गैस कन्वर्टेड इंटू वाटर, वेपर कन्वर्टेड इंटू वाटर में। तो हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर व्हेन द एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ द ग्लास द आइस कोल्ड वाटर इन इट, जिसके अंदर ठंडा पानी था, दे कंडेंस, वो क्या हो जाता है, कंडेंस। कंडेंस का मतलब है जो आपका गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। दिस स्टेट चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट एंड द फॉर्मिंग द वाटर वेपर। फाइव स्टेट है, वैसे तीन ही आपके सिलेबस में, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, बट ये जो दो स्टेट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आपको करना हो तो यू कैन डू इट। मैटर फाइव स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ चुके हैं, अगला प्लाज्मा और क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक, दे आर इन फॉर्म ऑफ आयनाइज गैस। प्लाज्मा जो है, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये काफी एक्साइटेड मीन्स काफी मूवमेंट में रहता है और काफी क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है, इसीलिए ज्यादातर ये किस फॉर्म में पाया जाता है, आयनाइज की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, गैस आयनाइज। जैसे ट्यूबलाइट के अंदर जो हमारी ट्यूब जलती है उसके अंदर क्या है, आयनाइज गैस है, तो वो किसकी वजह से, प्लाज्मा की वजह से। इसका मतलब जो चमक आती है, जो रोशनी आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जैसे आपने कुछ एग्जांपल है देखिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन लाइट बल्ब कंसिस्ट द प्लाज्मा। जो हमारी ट्यूबलाइट जो घर में यूज करते हैं उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है, कौन सी, आयनाइज गैस होती है, और उस आयनाइज गैस की वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, बिकॉज प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली आयनाइज्ड गैस। द नियॉन बल्ब कंटेन नियॉन गैस, देयर इज अनदर गैस हीलियम इन द फ्लोरेसेंट बल्ब। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द ट्यूब, जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उस बल्ब में, उस ट्यूब में, जिसके अंदर क्या है, गैस है, नियॉन गैस है, या हीलियम गैस है, या आयनाइज गैस है, These gas gas ionized, वो क्या होंगे, जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा, आयंस में प्रोड्यूस हो जाएंगे, आयन फॉर्मेशन होंगे, और आयन फॉर्मेशन होने की वजह से गैस आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आयनाइज जैसे ही फॉर्म होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो प्लाज्मा बनने लगेगा, और प्लाज्मा बनने लगेगा तो क्या होगा, ग्लो होने लगेगी। इसलिए ट्यूबलाइट को जलने में, पूरी रोशनी देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्यों, गैस को आयनाइज करने में, जैसे करंट पास करते हैं, इट टेक्स स्लाइटली सम टाइम, means within 1, 2, 3, 4 second to produce maximum light, because it take to ionize the gas. जैसे current pass करेंगे
गैस आयनाइज होगी, आयनाइज की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी, टूटेगी और प्लाज्मा बनेगा, और वो प्लाज्मा की वजह से ट्यूबलाइट या गैस जो बल्ब है नियोन बल्ब वो क्या होते हैं, जलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। इनफैक्ट सन एंड स्टार ग्लो, सन और स्टार भी ग्लो होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा बिकॉज प्लाज्मा प्रेजेंट इन देम। बोन आइंस्टाइन जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। बीईसी इज फॉर्म बाय कंडेंसिंग गैस आर एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू द लो मच लोअर टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, बाय कंडेंसिंग द गैस, गैस को कंडेंस करके मींस कम क्लोज टू ईच अदर नजदीक लाके एक्सट्रीमली लो डेंसिटी से, लो डेंसिटी से कहां पर, लो टेम्परेचर तक, उसको क्या बोलते हैं बीईसी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारे पांच पढ़े लेकिन पढ़ने कितने ज्यादा, तीन, सॉलिड लिक्विड और गैस प्लाज्मा एंड बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जरा थोड़ी सी यूनिट है, यूनिट पर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, कीप इट इन माइंड, यूनिट जरा ध्यान रख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, कॉमन यूनिट ऑफ इज लीटर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो अगर x केल्विन है, x केल्विन को हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, x केल्विन को, x इन केल्विन को में से माइनस करेंगे 273, तो आंसर क्या आएगा डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री, टेम्परेचर इन केल्विन मींस टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, नहीं टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो क्या होगा केल्विन में से 273 क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो केल्विन का जो टेम्परेचर होगा उसमें से 273 माइनस करेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए, इसका मतलब सेल्सियस में दे रखा है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 273 प्लस करेंगे। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ये फॉर्मूला बेटे मींस केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 और सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ये फॉर्मूला। और यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल या एटमोस्फेयर, मेजरिंग द प्रेशर 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 × 10⁻¹⁵ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की होगी। थैंक्स, प्लीज शेयर एंड शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर।